सेलिब्रिटी को देख लिया तो उससे सेल्फी लेने के लिए पागल है भैया, और सेल्फी ले भी लिया तो इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर सबको दिखा रहा है डाल डाल करके, हमने शाहरुख खान के साथ सेल्फी लिया, इसके साथ सेल्फी लिया। अरे क्या उखाड़ लिया भाई सेल्फी लेकर के? कुछ नहीं, जिस माँ बाप ने पैदा किए हैं ना, हो सकता है वो गरीब रहे, आप गरीब हो, लेकिन उनके मरने से पहले उनको अमीर बना देना है। आजकल का यूथ है ना भैया, समझदार समझता है, इंटेलिजेंट है, एलन मस्क का बाप है वो, जेब भले ही खाली है लेकिन समझदारी में तो जेफ बेजोस और एलन मस्क से आगे है ना वो, अपना बाप माई को क्या समझेगा वो? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर 1 लाख रुपए की लिमिट किसी को मिलती है तो पपौती मान लेता है ना, 1 लाख रुपये मेरे बाप का है। आपने मेरे ही वीडियो देख करके कई बार सोचे होंगे SIP में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, FD में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें पता नहीं। सर ये सारी इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है, जब पैसा कमाना शुरू किया है ना, फर्स्ट एंड मस्ट मैं कह रहा हूँ, पहला और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड मालूम क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आप इस्तेमाल नहीं करते अपने रोजमर्रा के चीजों में, या आपको ये इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं दे रहा होता है, सिर्फ आपका पैसा बचा हुआ रहता है, मगर ये काम तब आएगा जब कल को कुछ इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरह की इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी या किसी भी तरह की पैसे की अचानक से एकदम जरूरत पड़ गई रातों रात, और वो पैसा आपके काम आए, क्योंकि ये जरूरत कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है सर। इस लाइक की जब आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ा हो ना, तो जब तक आप कुत्ते से भाग भाग के कुत्ते से बच ना जाओ, आप चैन की सांस नहीं लेते ना, मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ऐसा ही होना चाहिए। सर कुछ भी लग्जरी खरीदने से पहले, टीवी, मोबाइल फोन, जूता, कुछ भी, हाँ बेसिक चीजें जो खरीदनी है वो तो खरीदो जिंदा रहने के लिए, लेकिन कुछ भी होता है ना खुशी के लिए, आनंद के लिए, वो खरीदने से पहले मैं कहूंगा सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, सबसे पहले SIP बाद में करना, बाकी इन्वेस्टमेंट सब बाद में करना, सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, क्योंकि इमरजेंसी फंड ना राहत की सांस देने का काम करता है, क्योंकि हमारे को पता है कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए, नौकरी चाकरी ना रहे, बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाए, मेरे पास एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड 6 महीने का? सर आपके घर का खर्चा अगर 25,000 रुपए है तो 25,000 रुपए x6 कर लो, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में एनी टाइम पड़ा होना चाहिए, उसको FD कर दो। हाँ कम इंटरेस्ट मिलेगा, 7% मिलेगा, 6.5% मिलेगा, लेकिन इसका पर्पस पैसा बढ़ाना नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसे को जिंदा करे रखना है। क्योंकि जिंदा करे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि FD का 7% इन्फ्लेशन और FD का 7% रिटर्न और इन्फ्लेशन भी 7%, तो इन्फ्लेशन के बराबर चलता है, तो आपका पैसा जिंदा रहता है, बढ़ नहीं रहा होता है लेकिन जिंदा रहता है, और पर्पस भी यही है कि पैसा मेरे को एनी टाइम एक्सेसिबल हो, रात को 3 बजे मेरे को जरूरत पड़े तो एक क्लिक पे मेरे को पैसा हाथ में आ जाए। कहीं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रहोगे जो कि 3 बजे जरूरत पड़े तो पता चले अगले दिन 3 बजे मिले, तो तब तक आदमी का खेल ही खत्म हो जाए, ऐसी जगह इमरजेंसी फंड नहीं रखते। भारी मिस्टेक हो गया सर, इमरजेंसी फंड को कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करके नहीं लगते जहाँ निकालने में आपको कई दिन लग जाए, तुरंत क्लिक पे निकलना चाहिए, वो होता है इमरजेंसी फंड, टेंशन से बचा के रखता है सर, दिल हल्का रहता है, आदमी रिस्क लेने के लिए ओपन रहता है जब इमरजेंसी फंड उसके पास होता है, और नहीं होता है तो आदमी हमेशा डरा हुआ रहता है, रिस्क लेने से डरता है, अरे काम करें पैसा लगा दे रिटर्न नहीं आए तो कुछ हो गया, तो ऐसे फिर आदमी जब रिस्क नहीं लेता तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है ना, कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी तरीके से रिस्क पर आएंगे भी, रिस्क वाला फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर है सर दूसरों के सपनों से बाहर निकलो। मैं देखता हूं अक्सर आदमी कहीं किसी सेलिब्रिटी को देख लिया तो उससे सेल्फी लेने के लिए पागल है भैया, और सेल्फी ले भी लिया तो इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर सबको दिखा रहा है डाल डाल करके, हमने शाहरुख खान के साथ सेल्फी लिया, इसके साथ सेल्फी लिया। अरे क्या उखाड़ लिया भाई सेल्फी लेकर के? कुछ बन गए, कुछ हासिल कर लिए, पैसा मिल गया, कुछ अपने को क्यों नहीं हीरो बनाते? जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है उसको हीरो क्यों नहीं बनाते? उसको हीरो बनाओ ना सर, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, और जिसकी सेल्फी लेकर के खुश हो रहे हो, बांटे जा रहे हो उसकी सेल्फी को, दिखाए जा रहे हो, ये समझ लो जिसकी सेल्फी आपने ली है सर वो जीत गया और आप हार गए। क्यों? क्योंकि उसका तो फैलाव हो रहा है ना, उसके फोटोज अलग अलग फैल रहे हैं ना, आप प्रचार कर रहे हो, देखिए इस आदमी के साथ मैंने सेल्फी ले ली है, वो जीत रहा है, आप हार रहे हो, वो समझदार है, आप बेवकूफ हो, खुद को हीरो बनाओ ना सर, खुद का कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करो ना, खुद को इस लायक बनाओ ना कि लोग आपके साथ सेल्फी लेने आए, आप कहे दूसरे के साथ सेल्फी लेने जा रहे हो। मैं तो कहूंगा यार जिस माँ बाप ने पैदा किए हैं ना, हो सकता है वो गरीब रहे, आप गरीब हो, लेकिन उनके मरने से पहले उनको अमीर बना देना है, इस सपने के साथ काम करो ना। आप अमीर, आप खुद को अमीर बनाओ ना बनाओ वो सेकेंडरी है सर, माँ बाप गरीब नहीं मरने चाहिए।
आप पूमा और एडिडास के जूते पहनो ना पहनो वो सेकेंडरी है, लेकिन उनके मरने से पहले उनको पूमा और एडिडास के जूते जरूर पहनवाने हैं। आपके हाथ में आईफोन आए ना आए, लेकिन उनके हाथ में आईफोन का टॉप वर्जन जरूर आना चाहिए। आप कहीं घूमने जाओ ना जाओ, लेकिन उनको स्विट्जरलैंड जरूर घुमाना उनके मरने से पहले, क्योंकि आपसे कम उम्र है सर उनकी। कम उम्र का मतलब आप जितना जियोगे उससे कम वो जीने वाले हैं। आधी जिनकी उनकी निकल चुकी है, तो अपने लिए सपना देखने से पहले उनके लिए सपना देखो। पाला है ना। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान धरती पे खुद नहीं आते, लेकिन अपना स्वरूप माँ बाप के रूप में भेजते हैं। और कुछ लोग, मैं ये भी देखता हूँ कि माँ बाप को बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल का यूथ है ना भैया, समझदार समझता है, इंटेलिजेंट है। एलन मस्क का बाप है वो, जेब भले ही खाली है लेकिन समझदारी में तो जेफ बेजोस और एलन मस्क से आगे है ना वो। अपना बाप माँ को क्या समझेगा वो। तो मैं ऐसे लोगों को एक बात बताऊं सर, आप कितने भी समझदार हो गए, कितने भी काबिल हो गए, कर्ण को जानते हो ना, महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर अगर कोई था वो कर्ण था, सबसे ताकतवर अगर कोई था, सबसे बड़ा ज्ञानी कोई था अस्त्र शस्त्र का, वो कर्ण था। अर्जुन की औकात नहीं थी कि उसको मार सकता, लेकिन अर्जुन क्यों जीता, भगवान उसके साथ थे। काबिलियत कितनी भी हो, जिसके साथ भगवान नहीं है ना, उसे कोई चिता नहीं सकता, कोई चिता नहीं सकता। ऐसे ही उस भगवान ने अपना स्वरूप माँ बाप के रूप में भेजा है। जब आप उसकी इज्जत नहीं करते हो, जब आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो ना, तो आप सीधा पंगा उससे ले रहे हो, क्योंकि उसका स्वरूप है ना। कहां जाओगे उससे पंगा लेके, कहां जाओगे, कहां जीत जाओगे। कितने भी काबिलियत पाल लो, खुश नहीं रह पाओगे। पटकेगा एक दिन, ऐसा पटकेगा कि फिर याद आएगा, अरे काश हमने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर लिया तो उनको कहीं तीर्थ तीर्थ करा देते, घुमा फिरा देते, अपना ही शौक मौज पूरा करने में रह गए। उनका तो कभी किए ही नहीं, मरते वक्त ये सब ख्याल आएगा, और तब कुछ हाथ में बचेगा नहीं ना। ये थोड़ा टॉपिक से हटके बात बोल दी मैंने, लेकिन जरूरी है। बड़ा बुरा हाल देखता हूँ मैं सर आज के युद्ध का, बहुत बुरा हाल है। डिस्ट्रैक्टेड फुल ऑफ सोशल मीडिया का जुनून इस तरीके से हावी है कि कुछ दिखता ही नहीं है। एक व्यूज लाइक्स इसी के पीछे दुनिया है उनकी। चौथा फैक्टर है सर, टेक लोन फॉर एसेट ओनली नॉट फॉर लग्जरी। मतलब लोन लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेट बनाने के लिए लोन लो, लग्जरी के लिए लोन नहीं। लग्जरी कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको लेकर के आपको मजा आ रहा है। होम लोन सर मेरे हिसाब से ये लग्जरी ही है। होम लोन लेता क्यों आज के टाइम में, घर के लिए नहीं, सोसाइटी का प्रेशर है, आसपास वालों को प्रेशर है, माँ बाप के प्रेशर है। कई बार ये शादी कैसे होगा, ले ले होम लोन भाई, जो नौकरी तो लगी है आप ले लो होम लोन, होम लोन में मर जाओ साले तुम, जिंदगी भर देते रहना ही हमारी। प्रेशर होता है सर, 10 में से 9 लोग सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, हमको भी लेना ही पड़ेगा, इस तरीके से लेते हैं होम लोन घर। तो ये लग्जरी है मेरे हिसाब से। और वैसे भी पूरा सेशन हमने किया हुआ है, रेंट पे रहे कि घर पे रहे, देखो पूरा है, उस पर बात किया हुआ है लंबा। पर्सनल लोन, आईफोन के लिए लोन, चीजें खरीदने के लिए लोन, आजकल तो भैया फ्लैट तो ले लिया, फ्लैट में लग्जरी फर्नीचर कराने के लिए भी पर्सनल लोन ले रहे हैं। कोई भी ऐसा लोन जो आपको मजा देता है सर, वो लग्जरी लोन है, लग्जरी के लिए लोन है। लेकिन कोई भी ऐसा लोन जिस लोन की वजह से आपके घर में पैसा आता है, जैसे गाड़ी खरीदा लेकिन लग्जरी के लिए नहीं, ओला में चलाने के लिए, टैक्सी में चलाने के लिए, जैसे फोन खरीदा तो लेकिन रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो वो आपके जेब में पैसा डाल रहा है। कोई भी ऐसा लोन जो आपके घर में पैसा डाल रहा है सर, वो एसेट के लिए लोन है। लोन लो, एसेट के लिए लो, लग्जरी के लिए नहीं। और मैं तो, मुझे लगता है कई बार ना लोन का जन्म ही मिडिल क्लास वालों के लिए हुआ है। सबसे ज्यादा लोन देखो किसको मिलता है, सैलरीड पर्सन को। सर बिजनेसमैन अगर 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, और नौकरी वाला 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, समझना मेरी बात को, बिजनेसमैन अगर 10 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, और नौकरी वाला 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो बैंक सबसे पहले इस 50,000 वाले नौकरी वाले को देगी लोन, 10 लाख वाले को टहला देगी, हो सकता है उसको दे भी ना। मालूम क्यों, बैंक को पता है ये 50,000 वाला इसके महीने, इसके हर महीने आएगा, ये हर महीने इसका फिक्स है, आना आना कहाँ जाएगा, और भाग के भी कहाँ जाएगा, जिस भी शहर जिस भी देश में जाएगा नौकरी तो मांगेगा ये, उतना तो इसका औकात है नहीं रिस्क लेने का कि नौकरी छोड़कर भी बिजनेस करने लग जाए। और बिजनेस भी करेगा तो पैन कार्ड तो वही है, आइडेंटिटी थोड़ी तुम बदल लोगे तो वो चलेंगे इसको। समझते है ना, ये सैलरीड आदमी की ज्यादा औकात, बिजनेस वाला 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर नहीं दिया तो भाग गया, तो रिस्क लिया है तभी तो ये 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आदमी बिना रिस्क लिए 10 लाख रुपए महीने बिजनेस से तो कमा नहीं सकता। नौकरी वाला पता कहीं नहीं आने वाले, फिक्स है ये, बुरा लगा, लगना चाहिए। लोन लेकर के बैठे हो, लिया है क्या लोन, किसके लिए लोन लिया, घर के लिए,
फोन के लिए, कि फर्नीचर बनाने के लिए, कि कपड़ा लत्ता के लिए, फिर आप ही के लिए बोल रहा हूं मैं, लोन लो एसेट बनाने के लिए, लग्जरी बनाने के लिए नहीं, मिडिल क्लास दिखने के लिए, रिच क्लास दिखने के लिए नहीं, रिच क्लास बनने के लिए लोन लो। लेते ना बड़े बड़े बिल्डर 1,000 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अंबानी लिए ना लोन जियो के लिए, कितना 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़, कितने का लोन लिया था, लिया था ना ऐसे ही 1 लाख करोड़ का लोन लिया, क्यों, एसेट बनाने के लिए, जियो को खड़ा करने के लिए, अमीर बनने के लिए लोन ले रहे हैं, वो अमीर पहले से है लेकिन और अमीर बनने के लिए लोन लिया। आप गरीब बनने के लिए लोन लेते हो क्योंकि आपको दिखाना है, बेवकूफ कहीं के। पांचवा, अच्छा पांचवा से पहले एक और बात बता दूं, अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, क्रेडिट कार्ड से हर महीने भारत में 300 करोड़ रुपए निकलता है, समझे, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना आपके पास, हर महीने लोग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हैं एज कैश, मिला जुला करके आंकड़ा कह रहा हूं, कोई एक आदमी नहीं, मतलब समझ रहे हो सर, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना सबसे खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज का मतलब वो जानलेवा इंटरेस्ट लेता है, साल का 40-45-50% इंटरेस्ट लेता है, और इतने इंटरेस्ट जानने के बावजूद भी आदमी अगर कैश निकाल रहा है तो सोच लो किस लेवल की उसकी मानसिकता, किस लेवल के पैसे की उसकी जरूरत है, और जब इतना बड़ा अमाउंट हर महीने निकल रहा है, ये तो तय है भैया इमरजेंसी के लिए नहीं निकल रहा है, इमरजेंसी के लिए कुछ परसेंट निकलेंगे लेकिन 90% लोग तो भैया जरूर अपनी लग्जरी, जरूर अपनी हरामखोरी करने के लिए निकाल रहे हैं कैश, या कुछ हरामखोरी कर रखा होगा, कोई लोन ले रखा होगा, कुछ चीजें खरीद रखी होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर 1 लाख रुपए की लिमिट किसी को मिलती है तो बपौती मान लेता है ना, 1 लाख रुपए मेरे बाप का है, उड़ाओ खर्चा करो, और तुम्हारी सैलरी है 30,000 रुपए, जब देखा जाएगा, जब आएगा बिल तब देखा जाएगा, और जब बिल सामने आता है 1 लाख रुपए दे रहा है, हालत खराब, क्या करें भैया, फिर आदमी फिर कैश निकालो, लोन लो, ये लो चुकाने के लिए, क्या यार क्या आदमी, सिखा रहा हूँ सब सीखो, नहीं तो जिंदगी भर मिडिल क्लास में झूलते रहोगे पेंडुलम की तरह, इधर 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 इधर, और एक दिन यमराज बॉल पकड़ के खींच के ले जाएगा, चल चल जिंदगी भर तूने हरामखोरी करी, चल यहाँ से, क्या करोगे फिर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।